उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कस्बा नवाबगंज में आयोजित कार्यक्रम में तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस अवसर पर मुफ्ती महफूजुर रहमान कासमी ने कहा कि सच्चाई के प्रचार प्रसार से समाज पवित्र बन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ की इजाजत किसी मजहब में नहीं दी है। जब इंसान सच बोलता है और हमेशा बोलता है तो उसका नाम सत्यवादियों में लिख दिया जाता है। झूठ की वजह से बदबू निकलती है जिससे फरिश्ते कोसों दूर हो जाते हैं। झूठ की किसी सूरत में इजाजत नहीं है। सच्चाई के प्रचार प्रसार में समाज पवित्र बनेगा। सच और झूठ इस्लाम की नज़र में किताब के विमोचन के मौके पर मदरसा जामिया कासमिया असरफुल उलूम नवाबगंज में आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुरान और हदीस की रोशनी में सच की हकीकत और झूठ की सच्चाई का उल्लेख लोगों को अमली जिंदगी में सच पर अमल करने की प्रेरणा दी। वहीं बैठक के संचालक मौलाना जैनुल आबदीन कासमी ने आखिर में तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं व विद्वानों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं बैठक में कारी अम्मार अहमद व मौलाना अमानत अल्लाह कासमी ने नात पेश बैठक की। वहीं शुरुआत कारी जुनैद अहमद हरबाज पूरी ने तिलावत कुरान करीम से किया। वहीं समापन मौलाना अब्दुल कयूम कासमी की दुआ पर हुआ। वहीं इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद रिजवान नदवी, जुनैद अहमद अंसारी, मौलाना मोहम्मद इलियास कासमी, मौलाना मुकर्रम आदि लोग मौजूद रहे। आज ये किस्मत किताब छपी है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है, आपको परिचय बताइए। मेरा नाम महफूजुर रहमान है, मैं जरूर कस्बा से हूँ। देखिए, इस वक्त पूरे समाज में झूठ आम हो चुका है और जितनी भी बुराइयां आपस में हो रही हैं, इस वक्त जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, उसकी असल वजह झूठ है। तो झूठ के खात्मे के लिए मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब ने एक किताब लिखी है ताकि ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में ये बेदारी पैदा हो कि झूठ इंतहाई ख़तरनाक जुर्म है। जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने मज़हब के मानने वाले हैं, अगर सही मानों में संजीदगी से उनसे पूछा जाए तो सब झूठ की कबाहत को और उसकी मजम्मत को बयान करते हैं। इस्लाम तो ख़ास तौर पर सच्चाई के महासिन और उसकी खूबियों को ज़िक्र करता है, झूठ की मजम्मत और बुराई बयान करता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब ने किताब लिखी है और इसी सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था ताकि थोड़ी बेदारी लाई जाए। ये कौन सा मदरसा है? जामिया कासमिया अशरफुल उलूम, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इस मदरसा कायम किया गया है। इसी नस्बत पर इसका नाम अशरफुल उलूम रखा गया है। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था, धीरे धीरे मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ले लिया। उसकी जितनी भी रिवायतें हैं वो सारी की सारी अहादीस, उसकी सारी रिवायतें सब मौजू मान ली जाती हैं कि ये सब गढ़ी हुई रिवायतें। झूठ इतनी कभी आदत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर आए, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी जितने नेक लोग दुनिया के अंदर पैदा हुए या जितने भी मज़ाहिब पैदा हुए, मज़ाहिब के जितने मुक्तदा पैदा हुए, उन तमाम मुक्तदाओं ने सच को रिवाज दिया है, झूठ को कंडम किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, झूठों के साथ हरगिज़ हरगिज़ नहीं बैठना चाहिए। मुनाफिकीन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और जिनको कुरान ने कहा है कि जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जाएंगे, सबसे निचले तबके में, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन जाएंगे। मुनाफिकीन को दर्दनाक अजाब किस वजह से होगा? उसकी वजह जो अल्लाह ने बयान की है, वलहुम अजाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, इनको दर्दनाक अजाब जो दिया जाएगा इनके किस बयानी, इनके झूठ की वजह से अजाब दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलह औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलह फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हदथा, जो शख्स ये चाहता हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगंबर का महबूब बन जाए, या अल्लाह और उसके पैगंबर की सच्ची मोहब्बत उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए, तो उसको चाहिए कि हमेशा सच बोलने का एहतमाम करे। जब बंदा झूठ बोलता है, हदीस पाक में आता है कि उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है, तबअदल मलाइकातु अन्हु मीलन मिन नक्मि मा जाअ बिही, उसके मुंह की बदबू की वजह से फरिश्ते एक मील दूर भाग जाते हैं। जब बदबू ख़त्म होती फिर फरिश्ते वापस आते हैं।
इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने माशरे को झूठ से पाक करें। झूठ की बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें हमारे यहाँ राई हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते। एक तो बच्चों से झूठ बोला जाता है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तशरीफ ले गए एक जगह पर और एक मुहद्दिस के पास गए थे, एक महीने का सफ़र करके, एक महीने पैदल चलकर गए थे सिर्फ एक हदीस हासिल करने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि उनके उस्ताद मोहतरम जिनसे हदीस हासिल करने गए थे वो कपड़े को ऐसे फैलाए हुए बकरी के बच्चे को बुला रहे थे। करीब जाकर देखा दामन बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। वापस चले आए कि जो अल्लाह के एक बेजुबान मखलूक को धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, वो हदीस रसूल में कैसे सच्चा साबित हो सकता है, कैसे इसके ऊपर एतिमाद किया जा सकता है। आज हम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, बच्चा हमसे पैसा मांगता है, हम कहते हैं नहीं है। ये भी कह सकते थे कि नहीं दे सकते हैं या कुछ और बात कर सकते थे। आए महबूब खुदा मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। हर तरफ जिनके रिसालत के बजे नक्कारे, हर तरफ जिनके रिसालत के बजे नक्कारे, जिनको बू जहल ने कुफार ने पत्थर मारे। हर तरफ जिनकी रिसालत के बजे नक्कारे, जिनको बू जहल ने कुफार ने पत्थर मारे। वो जिन्हें फूलों के बदले हैं मिले अंगारे, वो जिन्हें फूलों के बदले हैं मिले अंगारे। गालियां खा के वो दुश्मन को भी देते थे दुआ, मरहबा सल्ले अल्लाह, मरहबा सल्ले अल्लाह। आए महबूब खुदा मरहबा सल्ले अल्लाह, मरहबा सल्ले अल्लाह। फूल कहते थे कि दामन की हवा दे दीजिए, फूल कहते थे कि दामन की हवा दे दीजिए। कलियां कहती थी कि कुछ रंगे हया दे दीजिए। फूल कहते थे कि दामन की हवा दे दीजिए। कलियां कहती थी कि कुछ रंगे हया दे दीजिए। शम्मा कहती थी कि थोड़ी सी ज़्यादे दीजिए। शम्मा कहती थी कि थोड़ी सी ज़्यादे दीजिए, ताकि हम भी ये कहें आपका जलवा देखा। मरहबा सल्ले अल्लाह, मरहबा सल्ले अल्लाह। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।